देखिए, जो अभी हमने बात की स्ट्रोक और बैक पेन के बारे में, तो बैक पेन के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा कि सबसे कॉमन चीज़ है, हर किसी को कभी ना कभी लाइफ में बैक पेन होता है और लोगों को लगता है कि स्पाइन की प्रॉब्लम है या स्पाइन में कुछ सर्जरी होनी है तभी ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। 90% से ज़्यादा लोगों का कारण, बैक पेन का कारण, हमारा डेली उसमें पुअर पॉस्चर, गलत तरीके से बैठना, गलत तरह से काम करना, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, ये सभी होता है। और बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई सर्जरी करने की आवश्यकता होती है। तो यही सब हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारा पॉस्चर सही होना चाहिए, कैसे हम सही बैठ के काम करें, घंटों घंटों मोबाइल टीवी एक पोजिशन में नहीं देखते रहें और एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, उससे आते हैं ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में सुनने में आ रहा है कि मोबाइल एक मेन रीज़न है लोग लेट के देखते हैं, वो क्या है? देखिए, मोबाइल का क्या है कि हम झुक के देखते हैं, हमें गर्दन झुकी रहती है ऐसे, तो हमें इससे एक तनाव रहता है। और मोबाइल में आदमी जब टीवी वीडियो कुछ देखता है तो घंटों घंटों खो जाता है, तो किसी भी पोजिशन में ऐसे 2-3 घंटे आप खड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद वो जकड़ जाती है, पेन होता है। मोबाइल की वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, आदमी टाइम पर सोता नहीं है, रात में नहीं आ रही तो टीवी मोबाइल लेके खड़ा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम आजकल मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं, जो हम बाकी टाइम और चीज़ों में कर सकते थे, तो उसके वजह से काफ़ी सारे नेक पेन, बॉडी पेक्स प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं। छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल पे बहुत ज़्यादा हो गए, उनको क्या नुकसान है? देखिए, छोटे बच्चों को मैं सबसे प्रॉब्लम जो देखी गई है कि कई बार उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो जाता है, कि अगर आप देखेंगे उन्हें वीडियो देखी पसंद नहीं आई, चेंज वीडियो देखी चेंज, वैसे ही वो लाइफ में भी हर चीज़ बहुत जल्दी, ये यंगर जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा फोकस, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, हमें सब कुछ जल्दी 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 चाहिए, क्योंकि मोबाइल में भी सब कुछ जल्दी जल्दी आ रहा है। बच्चों में ये भी देखा गया कई बार उनके आँखों में एबनॉर्मल मूवमेंट्स आ जाते हैं, कई बार उनके आँखें हिलने लगती हैं, क्योंकि वो मोबाइल की स्क्रीन के वैसे चीज़ें चेंजेस आते हैं, तो और उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है आगे। तो आजकल काफ़ी स्टडीज़ आ रही है कि उनको आगे भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत लिमिटेड रखना चाहिए, अवॉइड करें तो अवॉइड करना बेटर रहेगा बच्चों में। ठीक, तो सर थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ VP शर्मा आई। ठीक है, थैंक यू।